आगरा में ताजमहल का दीदार करने आने वाले पर्यटकों को अब पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। आगरा में वाटर एटीएम लगाए जा रहे हैं। वाटर एटीएम की शुरुआत सबसे पहले ताजमहल और आगरा किले पर की गई है। इस वाटर एटीएम से 2 रुपए में 250 ml पानी मिलेगा, जबकि 5 रुपए में 1 लीटर पानी दिया जाएगा। पानी की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, उसके लिए तमाम चीज़ें हैं। पैक्ड वाटर भी आता है और यहाँ पे बिस्लेरीज भी हैं और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जो टूरिस्ट आता है जब वो फोर्ट या ताजमहल के आसपास जब वो भ्रमण करता है तो उस समय उसको वाटर बॉटल या इस तरह चीज़ों को कैरी करने में और उससे दिक्कत होती है। इसके लिए हमने अभी 2 मोबाइल वाटर एटीएम जो कार्ड से भी एक्सेसिबल है और सिक्का डाल के भी एक्सेसिबल है, उसमें 5 रुपए में 1 लीटर RO वाटर उपलब्ध है और 2 रुपए में 500 ml है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है कागज़ के ग्लास प्रयुक्त हो रहे हैं, किसी तरह से उसमें कोई प्रदूषण नहीं निकलेगा। वाटर एटीएम मशीन के लग जाने के बाद ताज और आगरा किले का दीदार करने आने वाले पर्यटकों में काफ़ी खुशी नज़र आई। बहुत अच्छा लगता है सर, टूरिस्ट को किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती है, पानी भी सस्ता मिलता है और गर्मी में सबसे ज़्यादा पानी ज़रूरत है सबसे आदमी को। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी चीज़ लगाई है गवर्नमेंट ने लगाई है यहाँ पर, और 1-2 मशीन और बढ़ जाए तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पर कोई यहाँ लगा हुआ है उधर पार्किंग में भी लग जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। पर्यटकों को 2 रुपए का सिक्का मिलने में दिक्कत ना हो, इसके लिए नगर निगम पास में ही एक काउंटर भी खोलने जा रहा है। वहीं आगरा के ISBT बस अड्डे और मुख्य बाजारों में भी वाटर एटीएम लगाए जाएंगे। आगरा से ब्रिजभूषण, पंजाब केसरी TV।